हेलो फ्रेंड, ये जो है मैं आपके लिए आज एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो ये कैनवस है 1 फिट बाई 1 फिट का और ये परमानेंट मार्कर है। ठीक है, ये परमानेंट मार्कर है जिससे कि पेंटिंग बना के इजी पेंटिंग हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम एक बार और देखेंगे ध्यान से। इजी पेंटिंग है, इसमें सिर्फ ब्लैक मार्कर की ज़रूरत है और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके लिए मुझे तो डायरेक्ट मार्कर से भी पेंटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जो है वो कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले स्केच कर दूँ। स्केच करने से आप लोग भी इजी हो जाएगा ये और मेरे लिए भी थोड़ा सा रास्ता और बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें मैंने जो है वो सिर्फ एक कलर का इस्तेमाल करना है, एक कलर टोटल एक। ठीक है, इसमें हम ये बुद्ध का जो है ना एक फेस हम बनाए ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि इजी वे में आपको काम करना है। ये चारकोल स्टिक है, चारकोल स्टिक वो होती है जो बिल्कुल जला हुआ कोयला होता है इमली का। ये हो गया, एक बार हुआ ये था कि मैं एक जगह गया जहाँ पर मेरा डेमोंस्ट्रेशन था और मैं जो है वो ले जाना भूल गया। मैं कलर मुझे ले जाने कलर और ब्रश मुझे ले जाने नहीं थे, तो वहाँ पर जब देख पहुँचे तो देखा ब्रश नहीं है और मेरा डेमोंस्ट्रेशन है। अब क्या करना है, तब मैंने जिस टेक्निक का यूज़ किया था उस टेक्निक को भी इसमें मैं यूज़ करके और फिर आपको दिखाऊंगा कि उस टाइम मैंने किस टेक्निक का यूज़ करके पेंटिंग बनाई थी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ब्रश ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साधन पूरे ही हो। आप कम से कम साधन में, कम से कम उसमें जो है वो पेंटिंग बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आपके जज्बे की ज़रूरत है कि आप किस जज्बे से, किस उससे जो है वो पेंटिंग को बना रहे। आपका पेंटिंग बनाने का मोटिव जो है वो एक मैसेज देना है और कुछ नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि मैं बुद्ध की पेंटिंग बना देता हूँ आप लोग के लिए। एक्चुअली मेरी जो समस्या ये है कि मैं एक तो सब्जेक्ट बुद्ध है मेरा, दूसरी ये है कि सारे और लोग जो हैं वो बुद्ध बनाते हैं, बुद्ध जो है ना वो उनके चेहरे पे वो पीस जो मैं सोचता हूँ कि बुद्ध के चेहरे पे होनी चाहिए वो पीस जो है वो मिसिंग होती है। कहीं ना कहीं वो एक टेंशन या फिर वो बना होता है उनके चेहरे पे, जिस जो मुझे लगता है कि नहीं है। तो मैं सारे लोग को बुद्ध पसंद है, बनाना भी सारे लोग चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ जो बुद्ध के चेहरे पे होनी चाहिए उसको सारे लोग पेंट नहीं करते। आज मैं पूरे हेयर बना रहा हूँ उनके, बुद्ध का जो सिर था वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो, इन्हें पढ़ा है ना उसके बारे में, कुछ लोग बुद्ध के सिर पे एक जूड़ा बना देते हैं जो कि जूड़ा नहीं था, यहाँ से थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ था।
देखिए मैंने स्केच जो है, अगर आप लोग थोड़ा सा हाथ आपका सेट हो जाए तो आप डायरेक्ट ही यूज़ करिए मार्कर को, वो मत करिए, स्केचिंग मत करिए, उससे नेचुरल वो होगा, उससे एक अलग इफ़ेक्ट आएगा। मगर ये ध्यान रखिए बुद्ध के चेहरे पे आपको पीस ज़रूर दिखानी है, ठीक है। अब ये कोई भी मार्कर एक लेंगे, कोई भी एक मार्कर लेंगे और उसको जो है वो आप कैनवस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्केच पेन नहीं है, मैंने पिछली बार जो आप लोगों को बताया था वो स्केच पेन का बताया था, यहाँ पर स्केच पेन नहीं है, यहाँ पर परमानेंट मार्कर है। इसको अगर हम टच करेंगे पानी से भी या किसी चीज़ से तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, इसलिए चलाने से पहले अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हटेगा नहीं, एक बार लग गया तो फिर ये हमेशा के लिए लग जाएगा। इसके लिए अच्छी तरीके से स्केच करके और फिर चलाना है। इसको आप एग्जीबिशन में भी एग्जीबिट कर सकते हैं, इस टाइप की पेंटिंग आप बनाने के बाद आप एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। बनाने के बाद आपको लगेगा कि आपका स्केच कहीं दिखाई दे रहा है तो आप जो है उसको पानी से वॉश कर सकते हैं। बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखिए, कि बैलेंस जो है वो आपका नेचर होना चाहिए, मजबूरी नहीं। जब जब आप बैलेंस का ध्यान रखेंगे आपकी पेंटिंग हमेशा बहुत सुंदर हो जाएगी। मैंने बताया ये परमानेंट मार्कर है, इसके लिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए अब मैं इसके ऊपर हाथ भी चला रहा हूँ तब भी ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो उस टेक्निक का मैं इसमें यूज़ करूँगा, जिस टेक्निक में मैंने जो है वो वहाँ पर एक डेमोंस्ट्रेशन के टाइम पेंटिंग बनाई थी। मेरा एक बड़ा स्कूल था बरेली में, जिसमें मैं जो है वो पेंटिंग सिखाता था, एमए बीए और उसको, और मेरे पास बहुत स्टूडेंट होते थे। तो उसके अंदर मेरा जो रोल था वो ये था कि मुझे सबको पेंटिंग सिखानी है और सबको डिफरेंट टेक्निक में वर्क करवाना है। तो वो चीज़ जो थी वो आज मेरे लिए जो है वो प्लस पर थी। मैं सारा डिफरेंट टेक्निक में आज जो जो टेक्निक में उनको रात भर सोच के टेक्निक रखता था और सुबह उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था कि आपको इस टेक्निक में काम करना है, आपको इस टेक्निक में करना है, सबको डिफरेंट टेक्निक। तो उसके लिए वो सारा कुछ प्लस हो गया आज की तारीख में।
सबको मैं जो है वो डिफरेंट टेक्निक में सिखाने की वजह से मेरी टेक्निक्स धीरे धीरे बढ़ती गई। आज उन्हीं टेक्निक्स को मैं जो है वो आप लोगों को सिखाने में यूज़ कर रहा हूँ। आप जितना जुड़ेंगे उतना आप इसमें नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। वो इसलिए खोज सकते हैं क्योंकि आप अगर उसमें जुड़ जाते हैं तो आपका माइंड जो है ना उसी के अकॉर्डिंग थिंक करता है और आपको रास्ता वो बताता चलता है। देखिए एक बहुत सुंदर बुद्ध का जो है वो पेंटिंग बनी है और इसको आप पानी से भी धोएंगे तभी आपको जो है ये हटेगी नहीं। ये मार्कर की वजह से इसके अंदर जो है वो ब्यूटी इसकी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप एग्जीबिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ यहाँ पर बीच बीच में जहाँ जहाँ पर जगह मिले आपको वहाँ पर भर दीजिए। अभी मैं आपको इसमें पानी लगा के भी दिखा देता हूँ कि ये अपनी जगह से हटेगा नहीं। ठीक है, ये आपने एक बुद्ध का पेंटिंग को बना लेना है और बनाने के बाद इसके अंदर आपको सिर्फ एक काम करना है। एक कोई भी सेल फोन ले सकते हैं, कोई भी, उसको आप अच्छी तरीके से येलो कलर कैडमियम ऐसे इसमें जो है आप अच्छी तरीके से ये करिए। मैं आपको इसी उसके ऊपर पूरी पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। तो वो निकाल के और धीरे धीरे इस टाइप से अब जितनी पेंटिंग आपको दिखेगी उतनी ही हमें चाहिए। अब हम इसमें हल्का सा रेड कलर भी इसी सेल फोन से इसी से ये इसमें लगा देंगे बस। और कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। ये आपकी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं उठा के आपको दिखाता हूँ। इसके आप इसमें ब्लू कलर येलो कलर कोई भी कलर जो है इसमें आप ऐड करके ये पेंटिंग बना सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लगा मेरा काम। अगर आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, तो ये लिप्स में आप भर सकते हैं। थोड़ा सा लगाइए बस, सूखे ब्रश से धीरे धीरे ऐड कर दीजिए उसको हल्का सा। ये सब आपके माइंड में फौरन से पहले आएगा, जब कभी भी आप कोई पेंटिंग करेंगे आप जो है वो फौरन से आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें ये कर दो तो और ख़ूबसूरत हो जाएगी। देखिए मैंने जो आपसे प्रॉमिस करा है वो है इजीएस्ट, जितना इजी हो सकता है, जितना इजी हो सकता है मैं आप लोगों को उतना इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ से डराया नहीं और हमेशा कोशिश ये करी है कि इस जो कोई भी हो वो पेंटिंग बना सके, पेंटिंग से डर ख़त्म हो जाए उसके अंदर से। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ होगी तो मैं पेंटिंग बनाऊँगा, वो होगा तो पेंटिंग बनाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए, आपका जो है वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप पेंटिंग बना सकते हैं और लगातार आप उसमें काम कर सकते हैं तो आप पेंटिंग को अपना सकते हैं। और हमेशा पेंटिंग बनाइए, मैंने हमेशा लोगों को ऐसे को सिखाने की कोशिश करी है जो लोग पेंटिंग से अलग हैं, थोड़ा दूर हैं। देखिए इसमें मैंने सिर्फ यूज़ किया है ये मार्कर और सिर्फ कलर, और वो भी इस पन्नी के ज़रिए, कोई भी अलग चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।